नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने कांवरिया टीम के दोस्तों के साथ आपको सीतामढ़ी के मंदिर का दर्शन कराते हैं। तो चलिए हम अपने लोगों के साथ चलते हैं आगे और मेन गेट से एंट्री करते हैं। ये है मेन गेट, यहाँ से एंट्री किया जाता है। फिर मेन गेट से ही हम आपको पवन पुत्र हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। इस गेट से हम एंट्री करते हैं मंदिर परिसर में। अब हमारे दोस्त धीरे धीरे कदमों से अपने मंदिर परिसर में एंट्री कर रहे हैं। कुछ समय में हम आप लोगों के बीच मंदिर के मेन गेट पर एंट्री करने वाले हैं अपने दोस्तों के साथ। तो हम कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं। ये रहा प्रवेश द्वार, यहाँ से हमारे साथीगण अंदर एंट्री करेंगे। तो अब चलिए हम अंदर एंट्री करते हैं। ये है मेन एंट्री गेट। फिर अब धीरे धीरे आपको अंदर मंदिर परिसर में ले चलते हैं और मंदिर में हम आपको दिखाएंगे। सर्वप्रथम आपको हम दर्शन कराते हैं पवन पुत्र हनुमान जी के, जो कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे हुए हैं और ये बहुत ही श्रद्धा भाव से प्रभु जी के सामने पूजा अर्चना कर रहे हैं। सीतानंदन हनुमान जी की मंदिर। अब यहाँ पर हमारे मंदिर परिसर में हमारे साथी बारी बारी से दर्शन करते हुए और प्रभु से आशीर्वाद और लेते हुए बोलो पवन सुत हनुमान की। अब हम पवन पुत्र हनुमान जी के फ्रंट से बाएं हाथ से आपको एंट्री करते हैं मंदिर में। अब ये धीरे धीरे हमारे मित्रगण अंदर चलते हुए, ये देखिए ये तस्वीरें कुछ इस तरीके की हैं, जो कि श्रद्धालु बारी बारी से दर्शन करते हुए यहाँ पर। फिर आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब ये धीरे धीरे हमारे श्रद्धालु आगे दर्शन करते हुए। फिर इसी तरीके से आगे चलते हैं। ये मंदिर परिसर का पवन पुत्र हनुमान जी के बाएं तरफ से हम एंट्री किए हैं। फिर राउंड में हम चलते हुए धीरे धीरे कुछ प्रभु जी की तस्वीरें लगी हुई हैं, महान भावों की, महान ऋषियों की, जिनकी पूजा अर्चना करते हुए भगवान। ये देखिए आपको फोटो में दिखेगा माता जानकी सीता की तस्वीर, प्रभु श्री रामचंद्र की तस्वीर,
श्री लक्ष्मण जी की तस्वीर। अब ये धीरे धीरे पहुंचते हुए अब ये नाव का दर्शन करते हुए केवट के मंदिर इसी तरीके हम आगे वीडियो में बढ़ते हुए दाहिनी तरफ पहुंच चुके हैं मेन गेट पे। अब हम आपको दिखाएंगे हम एंट्री किए थे पवन पुत्र हनुमान जी के बाएं तरफ से और हम इनके चारों तरफ राउंड लेकर अब दाहिनी तरफ से हम आपको एक बार फिर पुनः दर्शन कराते हुए आपको पवन पुत्र हनुमान जी के ये रही दान पेटिका। इसमें श्रद्धालु अपने स्वेच्छानुसार दान करते हुए अब हम पवन पुत्र हनुमान जी के ठीक सामने से एंट्री करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो कि हमें इस गेट के रास्ते से बाहर निकलते हैं अब आपको हम मंदिर परिसर के चारों तरफ का दर्शन कराएंगे वीडियो में बने रहें। अब हम आपको ये पवन पुत्र हनुमान जी की जो पहाड़ी के ऊपर विशाल मूर्ति है उसका दर्शन करा रहे हैं। इसके साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मंदिर परिसर के चारों तरफ की जगह को दिखाएंगे अपने दोस्तों के साथ। तो अब धीरे धीरे श्रद्धालु आते हुए और हमारे साथ के मित्रगण आगे बढ़ते हुए ये मंदिर परिसर का बगीचा है जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और कुछ क्षण के लिए विश्राम करते हैं। तो इसी तरह हम अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम धीरे धीरे गार्डन परिसर से फिर पुनः उसी रास्ते से मंदिर से बाहर निकलते हैं जिस रास्ते से मंदिर परिसर में एंट्री किए थे। इसके बाद हम आगे का दर्शन आपको दिखाएंगे कुछ ही क्षणों में। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, आप लोग कृपया बने रहें हमारे वीडियो पर क्योंकि यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देगी। तो गेट से बाहर निकलने के बाद हम बाएं तरफ रोड को पकड़कर चलते हैं जो कि कुछ इस तरीके से दुकानें हैं और हमारे साथ के साथीगण आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे माता सीता जानकी के मंदिर की तरफ। ये मंदिर परिसर के बाएं तरफ से मुड़ने के बाद लगभग 200 मीटर आगे जाएंगे हम इसी रोड पर, तो सामने मिलेगी आपको पुलिस चौकी सीतामढ़ी। उसके राइट पर आपको सुलभ शौचालय मिलेगा। चौकी के ठीक साइड लेफ्ट साइड हम आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। ये रहा दूसरा गेट।
अब यहाँ से हम अंदर एंट्री करेंगे मंदिर परिसर में। अब ये माता जानकी के तरफ श्रद्धालु धीरे धीरे कदमों से आगे चलते हुए, जो कि ये सामने कुछ एक ऐसी मंदिर है जिसमें कुछ प्रभु के तस्वीरें हैं, आपको हम ऊपर दिखाएंगे एक पहाड़ी के ऊपर शिव जी की स्थापना की गई है। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जब सीता माता की तरफ अंदर एंट्री करते हैं तो ये राइट हैंड पर आपको पड़ेगा, ये एक पीपल का पेड़ है। इसके बाद धीरे धीरे हम आपको वीडियो में आगे की जानकारी देंगे। ठीक उस मंदिर से हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं तो जस्ट सामने आपको एक भव्य मंदिर दिखेगी। यह मंदिर, अब हम आपको ये माता जानकी के भव्य मंदिर का दर्शन कराएंगे। इसमें माँ जानकी अपने रूप में विराजमान हैं। तो आइए हम धीरे धीरे मंदिर परिसर की तरफ आगे चलते हैं। ये धीरे धीरे श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं। अब हम आपको दिखाएंगे माता जानकी के मंदिर। ये है माँ सीते की भव्य मंदिर। यहाँ पर हम आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ पर आपको ये तस्वीरें दिख रही हैं, ये माँ जानकी की तस्वीरें हैं। यहाँ साक्षात ये विराजमान हैं। आइए हम आपको आगे पुनः फिर दिखा, इसी गेट से बाहर निकलेंगे। सीता समाहित स्थल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं इस गेट से, जो कि श्रद्धालु धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। कुछ हमारे साथी गण आगे वीडियो में निकल चुके हैं। अब हम आपको उस स्थान पे ले चलते हैं ये वह स्थान है जहाँ पर माता सीता ने पुनः धरती में समाहित हुई थी। ये भव्य तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि हमारे कुछ साथी गण दर्शन कर रहे हैं। ये है कुछ इस तरह के चौपाई लिखी हुई है सीता समाहित स्थल, जहाँ माँ जानकी ने धरती में समाहित हुई थी। ये वो तस्वीर है
वहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु बारी बारी से माता सीता के दर्शन कर रहे हैं। जो की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये रहा हमारे देश की धरोहर, जहाँ पर माँ जानकी ने समाहित हुई थी।